हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल ये है कि सर ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी या ट्रिप्लीकेट कॉपी ऐसे अगर निकालना है तो आखिरकार क्या करना पड़ेगा कि ऐसे हम निकाल पाएं। तो चलिए ये उसी को समझेंगे आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो टैली प्राइम की है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए और आपकी प्रॉब्लम 100% गारंटीड है कि सॉल्व हो जाएगी। अब कैसे सॉल्व होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले तो टैली ओपन करिए। अब ये टैली की मेन मेन्यू है, आपको दिख रही होगी, इसमें बहुत सारी बिल आपको दिखेंगे लेकिन सब परचेस का है, सेल्स का तो है ही नहीं। तो हम सेल्स के लिए क्या करेंगे, एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं, बी करते हैं प्रेस, और बी प्रेस करने के बाद सेल्स वाउचर के लिए एफ8 प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ कैश की ही बात कर लेते हैं, तो ये कैश कर दिया है। और यहाँ पर कस्टमर का जो है GSTIN तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट वगैरह डाल करके और यहाँ पे बना लेंगे सेल्स का लेजर। तो ये हो गया सेल्स का लेजर, SALES सेल्स का लेजर लगाया। और इसका ग्रुप होता है अंडर सेल्स अकाउंट, तो आप यहाँ सेल्स अकाउंट रख लीजिएगा और बाकी सारी डिटेल एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। बात करते हैं स्टॉक आइटम की, कौन कौन से स्टॉक आइटम है। तो हमारे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप सेल करेंगे। कौन से गोडाउन से सेल करेंगे, तो हम यहाँ न्यू कॉलोनी देवरिया में 500 है तो हम इसमें से 50 सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे रेट भी आएगी, तो एक की जो है सेलिंग रेट क्या रही, तो यहाँ पे एक की सेलिंग रेट रहेगी 65,000 रुपए। तो ये 65,000 रुपए के हिसाब से ये हमने सेल किया। अब एंटर करते हैं, नीचे जीएसटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी भी लगाना है, तो सेम स्टेट का मामला है, तो सीजीएसटी देन एसजीएसटी भी आएगा। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाने के बाद और यहाँ पर एंटर करने के बाद लिख देंगे नरेशन में द गुड्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है, ये लिख दिया हमने नरेशन में और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो कुल मिला के हमारे पास हो गया एक सेल्स का भी जो है एंट्री पास हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पर, यानी गेटवे ऑफ टैली पर। अगर आप इसको सीधा सीधा देखेंगे दो बार डी प्रेस करके, तो ये आपका सेल्स का बिल है। अल्ट पी करिएगा, एंटर करिएगा और इसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू करेंगे तो ये एक ही बिल आपको दिखाई देगा, चाहे तो जूम करके आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर समस्या है। तो आपको करना क्या है, एक ऑप्शन है बताऊंगा, उसको एक्टिवेट करना है। क्या ऑप्शन है, यहां से आपको ये जो प्रिंट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, या अल्ट पी भी कर सकते हैं, कर दिया। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट, तो इसको आपको यस रखना है। ये सेट प्रीव्यू एज डिफॉल्ट जो है ये ऑप्शन आपका रहेगा यस, ठीक है। इससे प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। अब जब आप प्रिंट करने जाएंगे ना, यही सेल्स वाला बिल था, और यहाँ अल्ट पी करेंगे और यहाँ पर एंटर एक बार करिएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा नंबर ऑफ कॉपीज, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। यहाँ पर आपको F5 दिख भी रहा होगा, क्लिक कर सकते हैं कितनी कॉपीज चाहिए। और यहाँ देखिए ये 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे जैसे ही आते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, डुप्लीकेट कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, ट्रिप्लीकेट, ठीक है, क्वाड्रुप्लीकेट, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ओरिजिनल कॉपी निकालनी है, तो यहाँ पर ओरिजिनल पे करिए क्लिक, एंटर करिए, और अब जादू देखिएगा, प्रीव्यू पर जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आई बटन प्रेस करना है। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं, तो ये कर दिया क्लिक, और जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ आया है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट ये लिखा हुआ आया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है ओरिजिनल निकालने का। अच्छा मान लीजिए ओरिजिनल नहीं निकालना है, डुप्लीकेट निकालना है या ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो फिर वही F5 प्रेस कीजिए, नंबर ऑफ कॉपीज पे जाइए और यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर मान लीजिए डुप्लीकेट निकालना है, तो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ से आई बटन प्रेस कीजिए प्रीव्यू के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आई बटन प्रेस करेंगे प्रीव्यू के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डुप्लीकेट भी लिखा हुआ आ गया, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, देख रहे हैं। अगर मान लीजिए ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो फिर यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज पे आइए, फिर नॉट एप्लीकेबल जो लिखा हुआ है वहां क्लिक कीजिए, ट्रिप्लीकेट निकालना है ट्रिप्लीकेट निकालिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, डुप्लीकेट निकालना हो डुप्लीकेट बिल निकालिए, ट्रिप्लीकेट निकालना हो ट्रिप्लीकेट निकालिए, ओरिजिनल निकालना हो ओरिजिनल निकालिए, जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं। और भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे अगर फिर F5 में करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो देखिए एक्स्ट्रा कॉपी भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा कॉपी पे जाएंगे और एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करके प्रीव्यू करेंगे, तो देखिए ये एक्स्ट्रा कॉपी है, तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन रह गया है, उसको भी देख लिया जाए। F5 प्रेस करके वापस यहाँ आते हैं
और ये बचा है क्वाड डुप्लीकेट, तो इस पे जाके क्लिक करके और इसको जो है प्रीव्यू करते हैं, तो ये भी देखिए इस तरीके से निकलेगा आपका, इस पे भी एक्स्ट्रा कॉपी लिखा हुआ आएगा और ये इस तरीके से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने सवाल कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।